नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तिलक चावड़ा। आज बात होगी उत्तराखंड के उस सबसे बड़े सवाल की जो पूरा उत्तराखंड पूछ रहा है। उत्तराखंड पूछ रहा है कि आखिरकार देवभूमि के दंगल में सीधे तौर पर जनता का दिल किसने जीता। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर दूसरे राजनीतिक दल, सबने पूरी ताकत झोंक दी। प्रचार में तमाम धुरंधर आज चुनावी रण में दिखाई दिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, इसके साथ साथ तमाम कांग्रेस के दिग्गज भी चुनावी रण में ताल ठोकते हुए दिखाई दिए। प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाला। तो बीजेपी की तरफ से स्टार रवि किशन ने भी चुनावी रण में प्रचार किया। तमाम धुरंधर एक के बाद एक हुंकार भरते हुए सुनाई और दिखाई दिए। अमित शाह ने भी जीत का दम ठोकते हुए दावा किया कि बीजेपी एक बार फिर से उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इन तमाम चुनाव प्रचार के जोर के बीच उत्तराखंड में बीजेपी ने एक बड़ा दावा खेल दिया। बड़ा दावा यह कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान कर दिया कि एक बार फिर से सरकार बनी तो उत्तराखंड में कमेटी गठित होगी और सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह बयान ठीक चुनाव से पहले अब सियासी कोहरा मचा रहा है। बीजेपी असहज कर चुकी है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस अब इस पूरे मसले को लेकर बैकफुट पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस असमंजस में है कि आखिरकार इसका विरोध करे या फिर समर्थन। वहीं धामी के इस दाव को लेकर सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा हो रही है कि आखिरकार उत्तराखंड में अगर ये नियम कानून लागू हुआ तो फिर ये संकेत और संदेश सियासी नजरिए से भी बड़ा होगा। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मुद्दे के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश का चुनाव भी ला सकते हैं। तो आज बेहद दिलचस्प चर्चा होगी। तमाम मेहमान और तमाम धुरंधर हमारे साथ जुड़ेंगे। इस सियासी चर्चा के बीच वो तमाम सवाल होंगे जो सवाल उत्तराखंड की आवाम पूछ रही है। तो पूछेगा उत्तराखंड की देवभूमि के दंगल में आखिरकार किसने कितना दम। पहले बयान सुनिए, दो बयान योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी ने आज किस तरह से चुनावी रण में ताल ठोकी। पहले बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कांग्रेस तो पूरे देश के अंदर डूब रही है और जहां नहीं जहां थोड़ा उसका वजूद था भी वहां पे डूबने के लिए दोनों भाई बहन पर्याप्त हैं, किसी तीसरे की आवश्यकता ही नहीं होती है। तीसरे की आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए आप लोग क्यों उस डूबते हुए जहाज में बैठे हुए हैं? डूबते हुए जहाज में नहीं बैठना चाहिए, उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज विकास के जिस नए उस पर कार्य कर रही है। मैं लगभग 1.5 साल पहले आया था केदारनाथ धाम का दर्शन करने के लिए और भाइयों बहनों मैंने देखा कांग्रेस की सरकार के समय केदारनाथ धाम कैसे उजड़ गया था, किस प्रकार की स्थिति थी। और आज भव्य और दिव्य केदारनाथ धाम बन गया फिर से। छोटे और मध्यम जो व्यापारी हैं, जो बिजनेस हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट हैं, ये हैं। इस सरकार की नीति और नियत देखिए किस तरह से आपकी कमर तोड़ी है। किसान की कमर तोड़ी, छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ी, बेरोजगार नौजवानों को एक भी रोजगार नहीं दिया। 28,000 रोजगार खाली पड़े हैं, पद खाली पड़े हैं सरकार में, उत्तराखंड की सरकार में। क्या उनको 28,000 बेरोजगार युवा नहीं मिले? यहां आप हाथ उठा रहे हैं, आप ही में 5-6 हजार तो यही होंगे। नौकरियां क्यों नहीं दी? आज तक वो पद खाली क्यों हैं? आज इतनी महंगाई क्यों है? आपको गैस सिलेंडर कितने में मिल रहा है?
पहाड़ों में जाइएगा उसका दुगना लगता है ट्रांसपोर्ट लगने के बाद, और आपके सामने आकर क्या कहते हैं, धर्म की बात करते हैं। कैसा धर्म है ये, कैसा धर्म है ये इनका। सबसे बड़ा धर्म एक नेता का क्या होता है, जनता की सेवा, जनता की सुविधा, जनता का विकास। तो देश के प्रधानमंत्री आज चुनावी रण में दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज इसी मुद्दे को लेकर देश की सियासत भी गर्म रही, क्योंकि आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार बनेगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। आइए जरा उसी विषय को लेकर दो और बयान सामने आए हैं, और फिर उसके बाद इस पूरे विषय को लेकर किस तरह से सियासत हो रही है अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। लेकिन पहले ये दो बयान और सुनिए, जहां पर तेजस्वी सूर्य जो कि बीजेपी के युवा चेहरे हैं और साथ ही साथ गरिमा दसोनी क्या कुछ कह रही है कांग्रेस की प्रवक्ता, सुनिए जरा। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस करने का बहुत बड़ा निर्णय आज उन्होंने अनाउंस किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। द फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस कंट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन made a very clear commitment and enjoined and created a responsibility on all governments, the state, to introduce the uniform civil code. Uttarakhand ki ek unique culture hai aur lambi saal tak civilizational history Uttarakhand ke is devbhumi mein hai. Isko protect karne ke liye aur ये यूनिक कल्चर को और शक्ति देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये जो निर्णय है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता की ओर से पुष्कर सिंह धामी जी को मैं बधाई देता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सबका साथ सबका विकास, सबको कानून के सामने सबका समानता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कमिटमेंट है। दिस इज फुलफिलिंग ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। मैं पुष्कर सिंह धामी जी को इस निर्णय के लिए फिर एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उत्तराखंड में अपनी दाल ना गलते हुए देखकर आप भारतीय जनता पार्टी ने एक नया शिगुफा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कही है। मैं पूछना चाहती हूं इन भाजपाइयों से, केंद्र में आप 7.5 साल से काबिज हैं सत्ता पर, और यहां प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल से आप सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, तब आपको किसने रोका था यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए? आज जब आपके नेता, आपके स्टार प्रचारक आपकी ही किरकिरी करा रहे हैं, जिनसे आपको उम्मीद थी कि वो आपके वोटों में बढ़ोतरी करने आएंगे, एक एक करके प्याज की तरह पड़तें आपकी उतर रही हैं, ऐसे में ना विकास के नाम पर आपके पास कोई जवाब है, ना आपके पास रोजगार के नाम पर कोई जवाब है, ना महंगाई को लेकर कोई जवाब है, तो आपने एक नया तीर निकाला है जिसको आप सोच रहे हैं कि सारे हथियार तो काम नहीं आ रहे हैं। ब्रह्मास्त्र के रूप में आपने ये यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड की बात जो कही है, पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहती हूं कि जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, जनता को मतलब है अपने रोजगार से, यहां के युवा मांग रहा है रोजगार, यहां की महंगाई से महिलाएं त्रस्त हैं, वो निजात चाहती हैं महंगाई से, भ्रष्टाचार और किसान दुर्दशा, और महिलाएं मांगती हैं कानूनी सुरक्षा। ऐसे में कितने भी बड़े जुमले बोल लो उससे कोई फर्क अब नहीं पड़ने वाला। अब यहां से लोग ठान चुके हैं बदलाव की बयार है, परिवर्तन की एक बयार है, और कांग्रेस पार्टी एक सुनिश्चित जीत की ओर बढ़ रही है और आपका सुपड़ा साफ होने वाला। बीजेपी में आप सियासी तूतू मैम जारी है, लेकिन आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी उम्मीद लगाए बैठी है कि इस बार क्या पता जनता उन्हें मौका दे दे।
लेकिन हकीकत क्या, फसाना क्या, और क्या उत्तराखंड में इस बार कुछ नया होगा? सीधा रुख करेंगे इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं जो कि स्टूडियो में मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ मेरे साथ संगीता शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है। कुछ ही देर में कांग्रेस के चेहरे भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। संजीव वर्मा, इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे साथ करना चाहूंगा। तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, पूरी ताकत झोंक दी बीजेपी ने। सवाल मेरा आपसे यही कि अब की बार 60 पार, क्या लग रहा है होगा? तिलक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विकास को एक मुद्दा बनाकर, विकास क्योंकि हमने किया है और हम अपना होमवर्क लेके जनता के बीच जा रहे हैं। धरातल पे हमारा काम दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे बुनियादी सुविधाएं हो, चाहे उसमें आशा वर्कर्स का मानदेय की वृद्धि हो, आंगनवाड़ी के मानदेय की वृद्धि हो, गेस्ट टीचर्स की जो 15,000 उनके मानदेय हुआ करता था, हमारी सरकार के द्वारा उसको 25,000 रुपए किया गया। जो अस्पतालों की हालत हम लोगों ने सुधारी है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हमने उनमें बढ़ोतरी की, जो शिक्षा का स्तर हमने बढ़ाने का काम किया, नई यूनिवर्सिटीज हमने खोली जिससे हमारा युवा शिक्षित हो सके और स्किल्ड हो सके, और साथ ही साथ हमने 5 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं और साथ ही हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का जो हमारी गवर्नमेंट का एक प्रपोजल है उसके ऊपर हम लोग आने वाले समय में हम काम करने वाले हैं। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम पूरी तरह से उत्तराखंड के हितों को सर्वोपरि। आज तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। सर एक मिनट, मैं वहीं आ रहा हूं सर। उत्तराखंड के हितों की बात करते हुए हम लोगों ने पूरी 3 जो हमारे जिले हैं, बड़े जिले जिनमें हरिद्वार है, देहरादून है, उधम सिंह नगर है, हमने उनमें पूरी तरह से गैस पाइपलाइन हमने बिछा दी है। और तो गैस सिलेंडर का जो 500 रुपए का शिगुफा कांग्रेस ने छोड़ा वो एक तरह से सीधा सीधा धराशायी हो जाता है, क्योंकि जब सिलेंडर ही की आवश्यकता नहीं होगी तो कौन से 500 रुपए का दे दोगे और कौन से 1,000 रुपए का, है ना। पहली बात तो यह है कि आपका जो 500 रुपए का जो शिगुफा है पूरी का पूरा एक कपोल कल्पित एक ऐसा सब जवाब दिखाने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। सर प्लीज, आप चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे। सर प्लीज देखिए, जिस तरह से कांग्रेस सिलेंडर की बात करती है, मैं कहता हूं आपने 5 राज्यों में आपकी बहुमत वाली सरकार है, आपने 5 राज्यों में आप दे नहीं पाए, वहां आप कर सकते थे, सब कुछ आपके हाथ में है, आप दाम बढ़ाना भी आपके हाथ में है, पेट्रोल के दाम 107 रुपए करना भी आपके हाथ में है, हमारे 92 रुपए पेट्रोल है, उनके 107 रुपए 15 रुपए महंगा है, 10 तारीख के बाद तो महंगाई भी बढ़ाना आपके हाथ में है और सस्ता करना भी आपके हाथ में। 10 तारीख के बाद वहां पे आप अपने 5 राज्य, आप अपने 5 राज्य 8 साल में लोकायुक्त नहीं लेकर आ पाए, आप कोर्ट की बात कर रहे हैं। सर एक बात सुने तिलक जी, मैं उसी स्थान पे आ रहा हूँ जहां जिस बात पे आप बोलना चाह रहे हैं। देखिए, मैं मेरा कहने का भाव क्या है, हम पूरी तरह से उत्तराखंड के हितों का ध्यान रखकर हमारी सरकार ने काम किया है, हम उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति के हितों का ध्यान रख रहे हैं। और किंतु कांग्रेस के पास किसी तरह का कोई रोड मैप नहीं है, विकास का उनके पास कोई विजन नहीं है। ओके, विकास में लोग करना, विकास एक सर सर एक संगीता शर्मा सर एक बीजेपी कह रही है विकास किया है, विकास करते हैं, विकास करते रहेंगे। सर 30 सेकंड, आम आदमी पार्टी के सर 30 सेकंड, एक मिनट सर 30 सेकंड 30 सेकंड सर 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 ये डबल इंजन की सरकार ने कितना विकास किया है ये सबको दिखाई दे रहा है। ये 100 दिन में खंडूरी जी का लोकायुक्त लाने की बात करते थे जब 2017 का घोषणा पत्र लेकर के आए थे और 2022 का घोषणा पत्र ले आए और अभी 17 वाला पूरा नहीं किया है। तो इनकी जुमलेबाजी तखनी करनी सब दिखाई दे रही है जनता को। इन्होंने बात की थी कि आते ही रिक्तियां भर देंगे जितनी खाली हैं, तो कितनी रिक्तियां इन्होंने भर दी और लग रहा है उत्तराखंड से बेरोजगारी बिल्कुल खत्म कर दी।
तो उत्तराखंड के जो बेरोजगार है इस बार आपको आपका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो आशा वर्कर्स और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फार्मासिस्ट पुलिस जवान जितने सड़कों पर थे वो सब 2022 में इनको जवाब देने वाले हैं। इसीलिए इन्हें अब भी चुनाव से जब हमारी कन्वेंसिंग खत्म हो रही है आज शाम को, अब 5 बजे खत्म हो चुकी, तब धामी जी को आज भी एक बात करनी पड़ रही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे। क्यों? कि जनता इसको देख करके हमें वोट दे देगी। तो जनता अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि 2017 का घोषणा पत्र कितना पूरा हुआ है ये जनता के सामने है, और एक नया लोक लुभावन वाला घोषणा पत्र और ले आए हैं जैसे कि उसे पूरा कर देंगे। 5 साल जनता ने इन्हें ही मौका दिया था, कोई दूसरा नहीं बैठा था सरकार में। तो जब 5 साल में इन्होंने काम नहीं किए तो जनता इन पर अब क्यों विश्वास करेगी आने वाले 5 साल में काम करेंगे? तो जनता इस बार इन पर बिल्कुल विश्वास करने वाली नहीं है। संगीता जी आप तो सच सच बोलिए, कितनी उम्मीद दिखाई दे रही है, आप तो सच बोलिए ना। देखिए लोकतंत्र है, उम्मीद जनता के हाथ में है। जनता जिस दिन 14 फरवरी को पेटी में वोट डालने जाएगी तो जनता किसको क्या जवाब देगी अब ये जनता के हाथ में है, क्योंकि सबको अपना जितना दमखम लगाना था वो सब लगा चुके हैं। और 5 साल जो बीजेपी ने काम किया वो भी जनता के सामने है, और जो कांग्रेस ने पिछले अपने कार्यकाल में काम किया है वो भी जनता के सामने है। तो अब फैसला जनता के हाथों में है कि वो 21 वर्षों से जैसा उत्तराखंड है बदहाली का, वैसा उत्तराखंड देखना चाहती है, या एक शहीदों के सपनों का उत्तराखंड देखना चाहती है जहाँ पे जनता के जुड़े बुनियादी मुद्दों की बात है। कि वर्मा जी कह रहे हैं कि लिख लो 70 में से 70 की जमानत जब्त। वर्मा जी तो कुछ भी कह सकते हैं, वर्मा जी तो 60 के पार कह रहे हैं। अभी देखिएगा जब रिजल्ट आएगा कि 60 के पार वर्मा जी पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। तो वर्मा जी के कहने से कुछ नहीं होता, वो जनता जिसको अपना बहुमत देगी वो काम आपका दिखाई दे रहा है, तभी कहा जा रहा है कि काम आपका दिख रहा है, वो जनता आपको बताएगी। बिल्कुल आपका विश्वास जनता आपको दिखाएगी कि कितना विश्वास है, कितना काम किया है, तभी आपको इतने बड़े बड़े। एक मिनट, ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है। मुझे एक बात बताइए, देखिए ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस है। आपको ये लग रहा है कन्नर कोठियाल की जमानत जब्त होगी? देखिए वो मैंने कहा ये लोकतंत्र है, ये जनता के हाथ में है, तो ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस है, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमने तो सबको जनता पे छोड़ दिया है, जनता जो चाहे वो डिसाइड करे। और लोग कह रहे हैं एक मौका आम आदमी पार्टी ने जनता से मांगा है, जनता किस तरह से मौका देना चाहती है ये जनता के हाथ में है। बहुत खराब रहा। और जिस तरह अभी आप कॉमन सिविल कोड की बात बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कीजिए, आप देखिए बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कीजिए, संजीव भाई बता दीजिए कितना काम किया है। लोकायुक्त लाए नहीं, दूसरा नियम लागू लाने की बात करने लगे। अरे आप चुप हो जाइए, आप उंगली ना दिखाइए संजीव भाई, कायदे में रहकर बात कीजिए। तो कायदे में आप भी रहिए ना, आप भी रहिए कायदे में। नहीं लड़ना नहीं है ना, अराजकता यहाँ चलेगी, दिल्ली में चलती है, दिल्ली में चलती है, अराजकता यहाँ चलेगी, उत्तराखंड है ये। इसीलिए आप इस तरह से बात कर रहे हैं, ये आपकी हार की बौखलाहट दिखाई दे रही है। संयम रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अरे अरे हार की बौखलाहट आपकी है, आपके चेहरे की हवाइयां उड़ रखी है, ये दिखाई दे रहा है, ये चेहरा देखिए, हवाइयां उड़ रखी है, चेहरे की 70 की 70 में जमानत जब्त होने वाली है आपकी, 70 की 70 में जमानत जब्त होने वाली है। जब्त करोगे, जमानत जनता के हाथों में है कि वो किसकी जमानत जब्त करेगी। आप डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं कि जमानत किसकी जब्त होगी। आज आज उसका परिणाम डबल जीरो के रूप में आपके सामने आने वाला है। तिलक जी जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के रोड मैप पे जनता के बीच जा रही है, लेकिन जहां हम डिजिटल यूनिवर्सिटीज खोलने की बात करते हैं वहीं कांग्रेस पार्टी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करती है। आप ये देखिए, इन लोगों के पास ना तो कोई विजन है ना इन लोग। किसने कहा? खंडन तो कर दिया कांग्रेस ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर। कहां कर दिया सर? जबरदस्ती मुद्दे का तुल ले रहे सर। जबरदस्ती चाह रहे हैं कि चुनाव जो है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर आ जाए। सर कहां कर दिया? कोर्ट पर आ जाए। सर कहां कर दिया? आप ये बताइए, ये लोग जुम्मे की छुट्टी की बात करते हैं, ये लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ये आर्मी के जनरल विपिन रावत को गली का गुंडा बोलते हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करते हैं। क्यों करते हैं? केवल और केवल तुष्टीकरण की नीति को चलते हुए। भारतीय जनता पार्टी, तो आप क्या करते हैं? भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो आप क्या करते हैं? बोल रहा हूं सर,
भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके लिए एक समान न्याय, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। संगीता जी पूछ रही थी तुष्टिकरण किसी का नहीं, सीधा पूछ रहे कितने मुसलमानों को टिकट दिया बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, आपका रुख क्या है, आपका रुख क्या है, आपका रुख तो शायद जवाब नहीं देना होता है, दूसरों से सवाल मत किया कीजिए, सारी दुनिया ने देखा, सवाल किया जाता है उसका जवाब दे दिया कीजिए, जवाब को पलटा मत कीजिए, जवाब देना नहीं होता है तो आप इधर उधर की बातों में घुमाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं होते हैं। अच्छा पहले आप अपने सवालों का जवाब दे दीजिए। अच्छा आप ये बताइए कि अब ये चुनाव प्रचार का दौर तो थम गया है, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में अब की बार 60 पार हो पाएगा, ईमानदारी से बताइएगा, ये जो नारा आपने दिया आपकी बार 60 पार। एक मिनट संगीता जी, एक मिनट वर्मा जी बोलिए, बोलिए वर्मा जी, लगता है आपको अब की बार 60 पार होगा? तिलक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, धरातल पे काम किया है, जनता आज हमारे कामों को लेकर एक सकारात्मक सोच उन्होंने बनाई है, और उन लोगों को विश्वास हुआ है कि उत्तराखंड का यदि उनको विकास करना है तो उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार चाहिए ही चाहिए। अगर उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार नहीं होगी तो आज जितने कार्य एक तरह से पाइपलाइंस में है और जितने कार्य धरातल पे चल रहे हैं, बाय चांस शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बाय चांस अगर सरकार बदलती है तो ये सारे जितने भी विकास की योजनाएं हैं, कांग्रेस ने सभी योजनाओं को डस्टबिन कर देना है, क्योंकि ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैं पुराने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। आप ये देखिएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, वहां पर जितने भी पुरानी योजनाएं चल रही थी, कांग्रेस ने आते ही उन सारी योजनाओं को डस्टबिन किया, उन सारी योजनाओं पर एक ब्रेक लगाने का काम किया। उनका ये वन पॉइंट प्रोग्राम है, मोदी जी को गलियाना, मोदी जी की आलोचना करना, तो आप और मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, और आपके नेता भी तो मोदी जी के नाम पे ही चुनाव लड़ते हैं। सर मोदी जी आपके पार्षद का चुनाव भी मोदी जी के नाम पे लड़ते हैं। सर मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी उत्तराखंड के प्रति एक विशेष प्यार प्रेम का उनका जो भाव है। सुभाष मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए, सुभाष जरा बताइए, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, कांग्रेस बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इस बार का चुनाव डिजिटल माध्यम के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण था, जैसा शोर अक्सर सुनाई देता था चुनाव के वक्त, इस बार कुछ कम सुनाई दिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात का जो प्रचार दिखाई दिया वो कैसा दिखाई दिया? बिल्कुल कहा जा सकता है, इस बार डिजिटल तरीके से प्रचार करने के लिए कहा गया था निर्वाचन आयोग की तरफ से, और कहीं ना कहीं उसमें सभी राजनीतिक दलों ने कोशिश की कि वो सोशल मीडिया के जरिए अपने वर्चुअल तरीके से जनता से जुड़े और उनसे बातचीत करें, लेकिन अंतिम समय में थोड़ी बहुत छूट दी गई और छोटी छोटी जनसभाएं और रैलियों करने की भी अनुमति दी गई। तो इसको लेकर दोनों ही राजनीतिक दल, बड़े राजनीतिक दल बीजेपी कांग्रेस, इन्होंने थोड़ी सी भी चूक नहीं रखी, और कुल मिला के कहा जा सकता है जो स्टार प्रचारक थे, जो बड़े नेता थे पार्टी के, उन्हें मैदान में उतारा और जनता के बीच बात समझाने की कोशिश की कि आखिरकार उनको वापस लाया जाता है तो वो इस तरीके के विकास करेंगे, दूसरी पार्टी को लाया जाता है तो वो प्रदेश का नाश करेगी, इस तरीके के बयानबाजी जरूर नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस बीच हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे भी चुनाव के दौरान उत्तराखंड में देखने को मिले, और ये कहा जा सकता है ये पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे भी उत्तराखंड में नजर आए, लेकिन इस बार जरूरत थी जनता को समझाने की कि आखिरकार बीजेपी सरकार ने 5 सालों में क्या विकास कार्य किया, और कांग्रेस को समझाने की जरूरत थी कि उनके कार्यकाल में जो काम हुए वो बीजेपी सरकार ने किए या नहीं किए, यानी कि दोनों ही सरकारों ने उत्तराखंड में राज किया है तो उनके अपने अपने कार्यकाल को गिनाने की कोशिश करते, समझाने की कोशिश करते तो ज्यादा बेहतर होगा, बेहतर होता। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम गया और अब इंतजार है 14 फरवरी का, जिस दिन प्रदेश की जनता है। आपको आप ग्राउंड जीरो पर थे, सबसे बड़ा मुद्दा क्या दिखाई दे रहा आपको?
बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा मुद्दा, जो कि हमने अपने सर्वे में भी दिखाया है कि महंगाई इस समय सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश के लिए बना हुआ था, और दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो रोजगार था। यानी कि उस रोजगार में केवल युवा नहीं बल्कि दूर दराज, पहाड़ के दूर दराज के क्षेत्र के वो लोग भी आते हैं जो रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ रुख करते हैं, चाहे वो दिल्ली की तरफ जाएं, चाहे मुंबई की तरफ जाएं, या अपने प्रदेश में भी रहते हैं तो मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, देहरादून आ जाते हैं, हरिद्वार आ जाते हैं, उधम सिंह नगर आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज भी रोजगार की है, स्वास्थ्य सुविधाओं की है, शिक्षा व्यवस्था की है, कनेक्टिविटी की है, और सबसे ज्यादा जरूरी जो महंगाई है, महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। हालांकि क्योंकि चुनावी सीजन है तो इस समय इस तरीके के मुद्दे उठाना विपक्ष का काम है। संगीता जी की चिंता यह है कि ये बताओ कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मुद्दा बन रहा है कि नहीं बन रहा। बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। संगीता जी की चिंता यह है कि भाई बताओ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुद्दा है कि नहीं। बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये मुद्दा था नहीं बल्कि चुनाव के दौरान ये मुद्दा बनाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि ये मुद्दा आखिरकार चुनाव के समय ही क्यों आते हैं, चुनाव के समय ही सारी इस तरीके की पुरानी वीडियोस क्यों आती हैं, ऑडियोस क्यों आती हैं। जरूरत यह है कि जनता को चुनाव के दौरान समझाने की कोशिश की जानी चाहिए कि आखिरकार उनकी सरकार आती है, यदि उनके लोग जीत कर आते हैं तो किस तरीके का विकास कार्य करेंगे, किस तरीके के काम करेंगे। ये ज्यादा जरूरी था, ना कि हिंदू मुस्लिम करने की। हालांकि अगर संगीता जी पूछ रही हैं तो वो बेहतर तरीके से जानती हैं कि उत्तराखंड में क्योंकि इस तरीके की राजनीति नहीं की जाती, लेकिन पहली बार इस तरीके की राजनीति की गई तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका खंडन करती हुई नजर आई, लेकिन बीजेपी का जो सोशल मीडिया के पेज है वो उसमें कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने की कोशिश की गई, इसका खूब प्रचार प्रसार करने की कोशिश की गई और लोगों को यह समझाने की कोशिश की गई हम हिंदुओं की पार्टी हैं और कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर से उत्तराखंड में देखने को मिला जी। लेकिन संगीता जी ईमानदारी से बताइए ना, कहां कहां से उम्मीद दिखाई दे रही है आपको? देखिए वर्मा जी तो बोलेंगे कि कर्नल कुठियाल की जमानत नहीं बच रही, 70 के 70 सबकी जमानत जब्त, लिख लो आज मैं तारीख बता रहा हूं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन कहां कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां से आपको उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है? देखिए तिलक भाई, कोई भी प्रत्याशी जीतने के लिए ही खड़ा होता है, तो सब अब चुनावी रेस में हैं और अब सब कुछ जनता के हाथ में है कि वो किसको जिता करके विधानसभा पहुंचाती है और किसे हार का मुंह देखना पड़ता है। नहीं, तो ये कुछ भी कह पाना संभव नहीं है कि कौन सी सीट पर। आपकी बातों से इतनी मायूसी क्यों झलक रही है? मायूसी बिल्कुल भी नहीं है तिलक भाई, देखिए जमानत नहीं बच रही या कुछ भी है जैसे वर्मा जी संजीव भाई, संजीव भाई के कहने से कुछ नहीं हो जाता। ऐसे तो मैं भी कह रही हूँ कि धामी, नहीं नहीं ऐसे तो मैं भी कह रही हूँ कि धामी जी अपनी सीट बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। इस बार कहीं धामी जी को भी खंडूरी जी की तरह, हरीश रावत जी की तरह अपनी भी हार का सामना ना देखना पड़े। अच्छा, धामी जी के साथ भी ये पूरा का पूरा मुमकिन है। बिल्कुल, मैं धामी जी की सीट के बगल वाली विधानसभा से हूँ। धामी जी की चिंता की बात नहीं है, जैसे संजीव भाई को कर्नल साहब की ज्यादा चिंता हो रही है कि कर्नल साहब अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे, तो कर्नल साहब की चिंता छोड़िए, आप अपने धामी जी की चिंता कीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप बाकी छोड़िए, आपके कैंडिडेट है। नहीं नहीं देखिए, आप चिंता करिए 60 पार का जो नारा है वो सफल होता है कि नहीं। आम आदमी पार्टी तो मैडम 5 साल में जो आपने काम किया है वो जनता के सामने है, इसलिए जनता इस बार आपको वोट देने वाली नहीं है, आप होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इंतजार कीजिए 14 का जब वोट पड़ेगा, उसके बाद 10 मार्च का जब रिजल्ट आएगा। संजीव भाई आंकड़े तभी पता चलेंगे आपको कि 60 पार होता है कि क्या होता है। वर्मा जी कहते हैं संगीता मैडम कि 10 मार्च के बाद देखना बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेता भाजपा ही हो जाएंगे, उनमें से संगीता जी भी एक होंगी। हाँ, प्रपोजल दिया है बहुत सारे लोगों ने, शायद आप भी हैं। सही है सही है, जिनको आप अपने आप में शामिल करना चाहते हैं वो हो जाए। फिलहाल संगीता जी का ऐसा कोई भाजपा में जाने का मूड नहीं है और ना ही वो ऐसा कोई प्रपोजल मानने वाली है। वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है और आम आदमी पार्टी के साथ ही रहने वाली है अभी भी और बाद में। आप सीट नहीं बता रही, मुद्दे तो बता सकते हैं ना आप, कौन से मुद्दे के आधार पर जनता इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देने वाली, कौन सा ऐसा मुद्दा है, क्या लगता है? देखिए, स्वास्थ्य उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य की सेवाएं यहाँ कितनी लचर है, 21 सालों से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए आज भी जनमानस परेशान होकर लड़ रहा है। तो स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर आम आदमी पार्टी ने काम भी किया है और उस मुद्दे को लेकर के उत्तराखंड में आई है। शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ सरकारी स्कूलों के हालात किसी से छुपे हुए नहीं है। 5,000 सरकारी स्कूल लगभग बंद हो चुके हैं,
तो आम आदमी पार्टी एक शिक्षा के मॉडल को लेकर के काम करने के लिए उसने अपनी संगीता जी बताई है पॉलिसी किस तरह से काम होगा। तो जनता शिक्षा के मुद्दे के साथ बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में है। कितने स्कूल बनाए, किसी एक स्कूल का नाम बता स्कूल दे। दिल्ली के स्कूल केवल दिल्ली के नहीं, एक स्कूल का नाम सर, जो टॉप 10 स्कूल है ना पूरे देश के, उसमें सरकारी स्कूल 3 सरकारी स्कूल दिल्ली के आते हैं। केवल आप उत्तराखंड का बता दीजिए, 5 साल से आपकी सरकार थी, आप उत्तराखंड में बता दीजिए कितने स्कूलों में ठीक कर दी आपकी व्यवस्थाएं। दिल्ली के स्कूलों की तो बात मत कीजिए, दिल्ली के स्कूल जाकर के देखिए आप, स्विमिंग पूल से लेकर के सारी व्यवस्थाएं है सरकारी स्कूल में, जो एक प्राइवेट स्कूल में भी मुहैया नहीं हो सकती। आप यहाँ का एक अस्पताल, आप जो अभी 5 मेडिकल खोलने की बात कर रहे थे ना कि मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, संजीव भाई अल्मोड़ा का बेस अस्पताल जो अधूरा बना पड़ा है उसकी बात करिए, 5 साल में आप उसे भी पूरा नहीं कर पाए, जो अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज है बात कर रहे हैं आप, 5 नए खोलेंगे तो आपसे खुद को कुछ होता नहीं है, दूसरों पे सवाल डालते हैं। उत्तराखंड में आपकी सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो वो करके दिखाएगी, तब पूछेगा आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया है, दिख रहा है धरातल पर कितना काम किया है। 2021 में 8 सरकारी नौकरियां दी है आपने, जरा डाटा उठा करके बैठिएगा। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बन गए, कितनी व्यवस्थाएं है ये दिखा है। आज भी अगर मोमबत्ती की रोशनी में एक प्रसूता को दूध गर्म करके पिलाना पड़ रहा है तो शर्म की बात है आपकी सरकारों के लिए कि आपने क्या व्यवस्था की है। अगर आज भी प्रसव के दौरान महिलाएं रास्ते में दम तोड़ रही है तो शर्म की बात है आपके लिए। शर्म करिए आपको, 11 साल दिए उत्तराखंड में, शर्म नहीं आती आपको या बैठकर के स्कूल बोलते हुए? कितना आपने धरातल पे काम किया है ये दिखाई दे रहा है, चैनल पे बैठकर के स्कूल मत बोलिए संजीव भाई। कितने लोगों को रोजगार दिया ये बताइए, पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या का आंकड़ा देखा है आपने उत्तराखंड में? जहाँ मवेशी बैठे रहते आपने, आपने आपने कितना रोजगार दे दिया उत्तराखंड में? लेने की बातें करते हैं दिल्ली सरकार, दिल्ली में है आप उत्तराखंड में क्या दे रहे हैं ये बताइए। आपके विधायक जाकर के अगर ये कहते हैं कि हमने ये काम किया है तब हमें वोट देना, आप एक बार चैनल पे बैठ के कह के दिखाइए कि भाजपा ने काम किया है तो वोट देना, 14 फरवरी को पता चल जाएगा आपको। अरे क्यों झूठ बोलते, कितना झूठ बोलोगे? झूठ बोलना भाजपा की आदत है, जुमलेबाजी करना भाजपा की आदत है, बयानबाजी करना भाजपा की आदत है। इतनी बेशर्मी से शर्म आपको आनी चाहिए, सरकार आपकी थी, शर्म आप कीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, शर्म आप कीजिए संजीव भाई। एक बात अगर आम आदमी पार्टी को आप सीरियसली नहीं लेते, वो कहते कि वो आपकी बी टीम है, कांग्रेस वाले कहते हैं आपकी बी टीम है, आप उन्हें बी टीम बताते हैं, खैर किसी की भी बी टीम हो, लेकिन मुझे एक बार बताइए कांग्रेस को तो सीरियस ले रहे कि नहीं ले रहे आप लोग? देखिए हम जनता को सीरियस ले रहे हैं और जनता के मुद्दों को सीरियस ले रहे हैं। वो तो आपको कह रहे हैं ना बी टीम है, कह रहे कि कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, अभी तक ये नहीं समझ में आया किसकी बी टीम है। खैर आप वर्मा जी बताइए, आप बताइए कांग्रेस को तो सीरियस ले रहे कि नहीं ले रहे? तिलक जी देखिए, हरीश रावत कह रहे मेरा आखिरी चुनाव है, मैं इस बार जो है मैं अंतिम युद्ध लड़ रहा हूँ, इस तरह की भावना आप सब बातें कर रहे हैं। तिलक जी देखिए, इस तरह की बातें आदमी जब करता है जब वो बौखलाया होता है, हताश होता है, निराश होता है, परेशान होता है, कभी वो कहते हैं मुझे मगरमच्छों ने घेर लिया, कभी वो कहते हैं कि मैं तो जनवरी के पहले हफ्ते में संन्यास लेके राजनीति छोड़ दूंगा, तो इस तरह की जब बातें करते हैं तो उससे लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चरम पे है, जहां आज चुनाव चल रहा है लेकिन उनके नेता गुटबाजी दिखाई दी सर, कहां दिखाई दी सर, आज कहीं गुटबाजी दिखाई दी है वर्मा जी? सिर्फ अफवाह फैला रहे तिलक जी, आपके नेता आवाज ना उठा पाए तो आपको वो लगता है कि वहां के नेता का आवाज उठा दे तो आपको गुटबाजी लगती है। हमारे लोकतंत्र है, आपके यहाँ तो कोई ये भी नहीं बोल सकता कि टिकट क्यों काट दी मेरी भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे, वो लोकतंत्र का नाम किसको देते हैं जहां उनका प्रदेश महामंत्री कांग्रेस भवन में सरेआम पीट रहा होता है, जिसके चश्मदीद उनके संगठन महामंत्री बनके तमाशा देख रहे होते हैं, और एक घंटे के बाद वो खुद खुलकर प्रतिक्रिया देते हैं और कैमरे के सामने
पत्रकारों के सामने और टीवी चैनल्स के सामने, टीवी भी वायरल हो रहे हैं ना, टीवी चैनल्स के सामने, टीवी चैनल्स के सामने आंसू बहाते हैं, टीवी चैनल्स के सामने आंसू बहाते हैं, टीवी चैनल के सामने आंसू बहाते हैं और खुद कहते हैं कांग्रेस की गुटबाजी है ये, क्योंकि मैं दूसरे नहीं जो बात शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल ये कहा जा सकता है। चुनाव के दौरान कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा की गुटबाजी भी खूब हावी नजर आई और यही वजह थी कि भाजपा के भी कई ऐसी सीटें हैं जहां उनके जो पूर्व नेता हैं या कहा जा सकता है उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो चुनाव मैदान में उतर गए। यानी कि जो संगठन की बात करती है भाजपा की, हम संगठन के तौर पर चलते हैं और संगठन का जो आदेश है उसका हम पालन करते हैं, तो उसकी जो सूरत है वो राजधानी देहरादून की सीटों में नजर आ गया। आप देहरादून की धर्मपुर सीट पे देखें तो वीर सिंह पवार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतर के मैदान में हैं। आप कैंट विधानसभा में देखें तो वहां भी उनकी पार्टी के एक नेता मैदान में है। आप डोईवाला विधानसभा सीट में देखें तो वहां भी उनके एक कार्यकर्ता मैदान में है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि संगठन तो कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी का भी अब खत्म नजर आ रहा, और यही वजह है कि इस बार कई ऐसे नेता उनके नाराज हो गए और चुनाव मैदान में उतर के अपने ही प्रत्याशी को हराने के लिए मैदान में आ गए। तो कहा जा सकता है कि गुटबाजी बीजेपी में भी है और कांग्रेस में, कांग्रेस में खुल के नजर आती है लेकिन बीजेपी में छुप छुप कर नजर आती है, और चुनाव के समय में वो नाराजगी खुलकर जनता देख पाती है कि जब उनके पार्टी के लोग कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर जाते हैं। जी ओके सुभाष, मैं आप चाहूंगा कि जरा वो सिविल कोर्ट का जो जिक्र करे, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं अब वो हम आपको सुनाते हैं और फिर इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और सीधे तौर पर सवाल यही है कि क्या आखिरी वक्त में ये दाव बीजेपी का काम करेगा, जिस दाव के सहारे बीजेपी ने प्रचार के आखिरी दिन एक बड़ा ऐलान कर दिया और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह तक कह दिया कि इस बार अगर सरकार आई कमेटी गठित होगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। सुनिए जरा पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायवितों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी नाराजगी व्यक्त की। तो पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र कर दिया। तो संगीता मैडम, बीजेपी कह रही है मास्टर स्ट्रोक है, ये तो अंतिम वक्त में आखिरी बॉल पर सिक्स मार दिया धामी ने। देखिए ये कहते कुछ है और करते कुछ है, इन्होंने पहले भी बहुत कुछ कहा है तो जरूरी नहीं है जनता इनकी बातों पर भरोसा करे, क्योंकि इन्होंने तो कहा था लोकायुक्त भी ले आएंगे तो वो 5 साल में अभी तक नहीं आ पाया जो 100 दिन में लाने की बात कही गई थी। तो जनता आप कैसे मान ले कि जो आज धामी जी कह रहे हैं वो करके ही दिखाएंगे। तो इनकी कथनी करनी का फर्क जनता के सामने है। नहीं नहीं 5 साल तो अभी हो गए, जब 2017 का ये घोषणा पत्र लाए थे तो उसकी पहली लाइन यही थी कि खंडूरी जी का लोकायुक्त 100 दिन में आ जाएगा। आपकी पार्टी का जन्म तो वहीं से हुआ, दिल्ली में ले आया क्या? तब ये अभी तक लेकर के यहाँ नहीं आ पाए क्या? दिल्ली में आ गया। दिल्ली में हमारी पहली बार सरकार गिरी ही इसलिए थी क्योंकि आम आदमी पार्टी वहाँ जन लोकपाल बिल लाना चाहती थी जब हमारी पहली सरकार बनी थी। देखिए हमने वो विधानसभा में पास किया है लेकिन आप भी जानते हैं दिल्ली में सरकार केवल अकेले अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है, केंद्र की भी सरकार है, तो वहाँ किसी एक की सहमति से बिल नहीं हो सकता। राज्य यहाँ इन्होंने बात की थी उसके बाद भी इन्होंने अभी नहीं किया है। यहाँ सरकार होने के आपको भी पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी। दिल्ली में विधानसभा से बिल पास हो चुका है।
अरे हाँ विधानसभा में बात किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या मुद्दा है या फिर नहीं? देखिए ये कोई मुद्दा नहीं है और इससे इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। नहीं है ओके वर्मा जी, कोई कह रहे हैं कोई फायदा नहीं होगा, फिर फाइनल कमेंट आपसे ले रहा हूं सुभाष, ये कह रहे हैं कोई फायदा नहीं होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, इतनी चिंता थी तो आपने 5 साल गुजार दिए, प्रचार के आखिरी दिन कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, सरकार बना दो हमारी, पहले ही बना देते सर, पहले राष्ट्रवादी नहीं थे क्या? मुझसे बोलना जी, आप ही से पूछ रहा हूं सर, राष्ट्रवादी तो आप ही है ना सर। तिलक जी देखिए, हमने पहले भी कहा, हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, न्याय सबके लिए, तुष्टिकरण किसी के लिए नहीं, और कॉमन सिविल कोड लाकर और उसकी घोषणा करके मैं सोचता हूं एक बहुत अच्छा बहुत एक सराहनीय कार्य है वो, और जिससे हमारी बहनों को भी न्याय मिलेगा, जहां 3 तलाक बोलकर उनका जीवन नष्ट कर दिया जाता था, और जब कॉमन सिविल कोर्ट आ जाएगा तो जो प्रॉपर्टी के बंटवारे हैं, हिस्सेदारी है, और जिससे समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, एक आदमी के लिए एक नियम, दूसरे आदमी के लिए दूसरा नियम, तो पहले कर देते ना सर। नहीं सर, तिलक जी हर चीज का मौका होता है, हर चीज का वक्त होता है, ये जरूरी सिविल कोर्ट ये जरूरी नहीं होता है, कोई कोई भी काम आपके अनुसार होगा या जिस चीज का आप मुहूर्त निकालेंगे उस समय आप मुहूर्त निकालेंगे सर, आप मुहूर्त निकालेंगे यानी क्या निकालना है सुभाष, यूनिफॉर्म सिविल कोड वो हार का डर सता रहा है, पिलर जी प्रचार के आखिरी दिन कह रहे हैं कि हम ये कराएंगे हमारी सरकार बना दो, तिलक जी बिल्कुल कहीं ना कहीं मुद्दा बनेगा, और सबसे बड़ी चीज ये है इसके मुद्दा बनने की कि आखिरी चुनाव के आखिरी दिन इस तरीके की घोषणा कहीं ना कहीं एक अलग मैसेज दे रही है, और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि इस तरीके का बयान दे स्पीच में कहते हैं, और समान नागरिक संहिता को लेकर कहा जाता है कि समान एक ही धर्म जो सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही कानून होगा, तो कहा जा सकता है इसका फर्क कहीं ना कहीं चुनाव में भी जरूर नजर आएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भाजपा ने और भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी ने अंतिम दिन चुनाव प्रचार के अंतिम दिन इस तरीके की बड़ी घोषणा की, तो इसका कहीं ना कहीं फर्क बड़े स्तर पर पड़ेगा, क्योंकि अगले 2 दिनों में चुनाव के मतदान होने और ऐसे समय में इस तरीके की घोषणा कहीं ना कहीं असर जरूर डालेगी। हालांकि संगीता जी कह रही है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन वो भी जानती है कि इस तरीके के बयानों से फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, उत्तराखंड की जनता कहीं ना कहीं सभी नेताओं को सुनती है, चाहे वो केंद्र के नेताओं के हो चाहे प्रदेश के नेताओं के, छोटा प्रदेश है पहाड़ी राज्य है, और यहाँ इस तरीके की चीजें यदि कही जाती है, वादा जनता से किया जाता है, तो जनता कहीं ना कहीं उन पर भरोसा करती है, जो भाजपा के कार्यकर्ता है जो भाजपा के पदाधिकारी है वो जनता को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसका फायदा कितना होगा, और क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि आप हमारी सरकार बनाइए, जिस दिन हम शपथ लेंगे हम इस बिल को लेकर आएंगे, यानी कि ये साफ है कि उनका ये कहना है कि यदि हमें मौका मिलता है तो हम इस बिल को लाएंगे और पास करेंगे, यानी कि साफ है कि इसका फर्क चुनाव में भी नजर आएगा, और जो विपक्षी दल है वो भी कहीं ना कहीं इसके बाद अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगे, और बड़ी चीज ये है कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि मुख्यमंत्री ने मास्टर स्ट्रोक चुनाव से पहले खेल दिया है जी। लेकिन संगीता जी आप मान ले कि आप विरोध कर रही हैं इस बात का कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए उत्तराखंड में, मैं ये मान देखिए आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी किसी भी चीज का विरोध नहीं कर रही है और ना इस बात के साथ जा रही है, लास्ट दिन आकर कोई सी गुफा छोड़ा जाता है तो आम आदमी पार्टी उसके साथ अभी उस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के आई है उन मुद्दों के साथ जाकर के प्रचार प्रसार किया है, अब उन्हीं के साथ आगे जाना चाहती है बस। यानी आप लोग हैरान परेशान होगा कि आखिरी दिन इन्होंने ये क्या कर दिया? हम बिल्कुल भी हैरान परेशान नहीं है क्योंकि आम आदमी, क्योंकि भाजपा की जुमलेबाजी से सब वाकिफ है, इसलिए हैरान परेशान होने की कोई बात नहीं है। अच्छा तो आपको लगता है ये वाला भी जुमला है? जी बिल्कुल, ये हमेशा भाजपा जुमले ही, फिर मैं कार्यक्रम वाइंड अप कर रहा हूं, ये वाला भी जुमला है, ये कह रहे हैं ये वाला भी जुमला ही है।
कहने जैसे हार का डर सता रहा है, इसलिए लास्ट दिन ही अपना एक और प्ले कार्ड खेलने के लिए आए हैं। जुमला ही दिखता है और इन लोगों को आदत पड़ गई, एक जुमला शब्द बोलना सीख लिया। विकास का कोई बात होती है तो भाजपा ने सिखा दिया संजीव भाई। जब समाज का विभाजन को रोकने की बात होती है तो इनको जुमला दिखता है। जब 370 हटाई थी, जब इन लोगों ने विरोध किया, जब राम मंदिर हम लोग बना रहे थे, जब ये लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, उस समय ये लोग बोलते थे राम मंदिर कब बनाओगे, ये बना ही नहीं सकते तो तारीख बताओ। अब हमने बना भी दिया और तारीख भी बता दी। अब तो आप किस किस चीज को झुठलाएंगे। हम जितना भी एक जब हम हिंदू की बात करते हैं तब आप लोग उस चीज का लगातार एक विरोध का जो स्वर अपनाते हैं उससे सीधा सीधा ये लगता है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। नहीं, ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने कहा है तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा करती है, आम आदमी पार्टी नहीं करती। जब आपको कोई प्ले कार्ड खेलने को नहीं मिलता तो आप धर्म की बात करने लगते हैं। आपने उत्तराखंड में अभी चुनाव का इतने दिन प्रचार में ये नहीं बताया कि काम क्या किए। तब आप उसका हर चीज में विरोध करते हैं, हर चीज में विरोध करते हैं। कार्यक्रम खत्म कर रहा हूं। 70 में से कितनी सीटें आ रही हैं? सर, हम 60 प्लस पे पूरे आश्वस्त हैं। 60 प्लस का ध्येय हम लेकर चल रहे हैं और 60 प्लस हम अचीव करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या दिखाई दिया आपको चुनाव प्रचार के दौरान कि बीजेपी को जनता क्यों वोट दे रही है? आपने कहा 60 पार, क्यों? सर भारतीय जनता पार्टी को लोग इसलिए वोट दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। हमने जो सबसे बड़ी बात क्या है, अच्छा, जो घोषणा की वो सारी पूरी कर दी। सर 90% से अधिक घोषणाएं हम पूरी कर चुके हैं और हम ऐसी ऐसी परियोजनाओं को पूरा कर चुके हैं जो दशकों से लटकी पड़ी थी। जैसे टिहरी का टिहरी का चांदीपुर जो 14 साल से लटका हुआ था, हमने उसको पूरा करने का काम किया। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का लगातार हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। 1,00,000 करोड़ की लगातार यहाँ पर परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें 70-80% तक काम पूरा हो चुका है। इन 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 परियोजनाओं को देखकर लोगों के अंदर एक विश्वास जागृत हुआ है। हम जो कहेंगे हम वो करेंगे, हम जो कहेंगे वो करेंगे और आगे भी जो हमारा रोड मैप है, जो हमारे दृष्टि पत्र की जो भी घोषणाएं है, जनता मान सर सर चले जाओ टिहरी में, सी प्लेन उतर आया, देख कर आओ। मैंने तो कहा तेरा डेस्टिनेशन बन गया, वो देख कर आओ। सुभाष को मैंने कहा लोकायुक्त बनने वाला है, कह रहा कि नहीं बनेगा। तिलक जी बनने वाला है, मैंने कहा पता करके तिलक जी, तो वो तेरा डेस्टिनेशन नहीं मिले इसको, सी पे तिलक जी करने वाला था। तिलक जी सर मसूरी जाने वाला रोड पे भी दिखाई दिया नहीं, पता नहीं कहां तिलक जी संजीव भाई जो हमने काम किए हैं वो भी देखने चाहिए। अच्छा, जो नहीं किए जो नहीं नहीं हमने नहीं वाला जो नहीं किए वो भी देखने चाहिए संजीव भाई। जो काम पाइपलाइन में है उसको आप कैसे नकार सकते हैं? आप संजीव भाई एक ऐसा कस्टमर अवेलेबल कराएंगे जो काम भाजपा ने नहीं किए है वो भी दिखाई देने लग जाए। इन्होंने कुछ किया नहीं है तो 10-10 घंटे का समय इन्होंने कितने काम किए है ये सब दिखाई दे रहा है। संजीव भाजपा से कोई झूठ बोलना सीखे, ये करते कुछ नहीं है और बस यहाँ पे 2.5 घंटे बस जुमलेबाजी और घोषणाएं ही करना जानते हैं। उसको भी आप नगाड़ स्वामी जी ने जितनी घोषणाएं की क्या पूरी कर दी संजीव भाई बता दीजिए। आप हर चीज को नगाड़ते रहे, विकास को भी देखना भी तो सीखिए। सर विपक्ष 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 विकास को देखना ही नहीं चाह रहा। अच्छा एक मिनट, संगीता जी चलिए, ये तो ईमानदारी से कह रहे हैं कि भैया हमारा तो वही 60 पार वाला था तो 60 से ऊपर ही सीटें आएंगी। आप बताइए ईमानदारी से कितनी सीटें आएंगी? आपको बता दूं, आपके ना एक सहयोगी आपके प्रदेश कार्यालय में गया था, आप ही के सहयोगी थे, नाम मत भूलिएगा। मैंने उनसे पूछा कि 70 में से कितनी सीटें आएंगी, उन्होंने बोला 72। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कितनी सीटें आएंगी मैडम? 2 दिल्ली की भी ये है ना? 10 मार्च को ही पता चलेगा तिलक भाई कितनी सीटें आएंगी। जनता कितना समर्थन देती है और जनता किसके साथ जाती है कुछ तो उम्मीद होगी। लेकिन खाता खुलेगा कि नहीं
लेकिन इस बार जनता को 21 वर्षों की राजनीति को खत्म करके एक ऐसी पार्टी को चुनना चाहिए जो जनता के विकास की बात करती है, वरना उत्तराखंड का जितना बुरा हाल आज है उससे कहीं ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। चिंता यह है, वो कह रहे हैं कि बता दीजिए संगीता जी खाता खुलेगा कि नहीं, ये तो रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा संदीप भाई कि 60 पार होता है कि क्या होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वर्मा जी आपका भी, संगीता जी आपका भी, और साथ ही आपका भी सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये अब मुद्दा दिलचस्प यहां पर ये हो जाता है कि क्या वाकई में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो दाव खेला है बीजेपी ने वो कुछ काम आएगा या फिर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।